हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न सेवन स्टैंडर्ड हिस्ट्री लेसन नंबर 9, दैट इज़ द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मराठा वॉर जो इंडिपेंडेंस का था, वो लेसन तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सबका दिया हुआ है चैनल प्लेलिस्ट में, अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाके सारे वीडियोज़ देख सकते हो। देखने वाले हम इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर, इसका क्वेश्चन आंसर वो भी आपके डाइजेस्ट का है। ये क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, बट आपको डाइजेस्ट का चाहिए तो इसलिए मैं डाइजेस्ट का आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। औरंगजेब वॉज फ्रस्ट्रेटेड बाय हिज ब्रेवरी। किसकी ब्रेवरी से? तो हमें पता है छत्रपति संभाजी महाराज की ब्रेवरी से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन है। सेकेंड क्वेश्चन है, दे कट द गोल्डन पिनेकल ऑफ एम्परर्स टेंट। तो राइट ऑप्शन क्या है, कौन थे, किसने किया था? तो इसका जो देखो राइट ऑप्शन जो है, ये है संत जी घोरपड़े एंड विट्ठा जी चौहान, ठीक है। और पहले का आंसर देखो यहाँ पे है, सो सबका आंसर दिया हुआ है। तो फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ही फॉट ब्रेवली इन गोवा बैटल। तो कौन? येसाजी कंक, इन्होंने बहुत ही ब्रेवरी से लड़ाई की थी, ठीक है, गोवा बैटल में। संभाजी महाराज आर्मी लॉन्च्ड एन अटैक ऑन द पुर्तगीज फोर्ट ऑफ रेवडंडा, ठीक है। द पोर्तुगीज लेट सीज टू द मराठा फोर्ट ऑफ फोंडा, ओके। तो स्टूडेंट्स जितने क्वेश्चन हैं आप अच्छे से देख लो, पहले सारे क्वेश्चंस देख लिए आपने, सबका जो राइट ऑप्शन है उस पर टिक भी किया हुआ है, प्लस यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। देखो कितने क्वेश्चन है आपके, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर भी है। करना क्या है आपको, वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लो पहले क्वेश्चन, उसका आंसर भी लिख सकते हो। टिक मार्क भी किया हुआ है और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। नेम द फॉलोइंग द फोर्ट नियर नासिक दैट द मुगल जनरल्स फेल्ड टू कैप्चर। तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनके नाम देने हैं आपको, ठीक है। तो देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, द फोर्ट नियर नासिक दैट एट द मुगल जनरल फेल्ड टू कैप्चर। तो वो क्या थे, कौन थे? रामसेज, डिस्क्राइब एज रेट बाय शभासदा। तो क्या है यहाँ पे, क्या आएगा इसका आंसर? सिद्धि ऑफ जंजीरा, ठीक। जस्ट मिनट, बुक ऑन पॉलिटी रिटन बाय संभाजी महाराज, तो बुद्ध भूषणम, ओके। द डे ऑन विच संभाजी महाराज वॉज ब्रूटली किल्ड, तो 11 मार्च 1689, ठीक है। सो स्टूडेंट जितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे देखो 8 यहाँ पे ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है, राइट नेम है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा आंसर देख सकते हो। करना क्या है, वही जो मैंने पहले बताया कि आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लेना है, उसके आंसर लिख लेने हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द टाइम लाइन, ये आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो बर्थ ऑफ संभाजी महाराज का यहाँ पे है, ठीक है। उसके आगे का यहाँ पे जो है, ये वाला यहाँ पे आपको लिखना है, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसका ये जो है वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो उसका यहाँ पे आपको लिखना है। और ये देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ईयर लिखना है, तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 मार्च 1689 CE। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर उसका, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ना, 11 मार्च, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आंसर यहाँ पे नहीं है, तो आपको ये लिखना है। सेकंड है, यहाँ पे देखो राजा राम महाराज एस्केप फ्रॉम जिंजी। तो ये देखो यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन ये वाला आंसर यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप अच्छे से देखो, जो आपको यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है तो वो आपको वहाँ पे फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे ये लिखना है और यहाँ पे ये वाला लिखना है। आगे बढ़ते हैं हम फटाफट, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। ये यहाँ पे आप देखो ऑप्शन आपको 3 दिए हुए हैं, लेकिन एक दिया हुआ है, तो 2 का आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप देखो, ये जो दिख रहा है ये वाला, इसका आंसर आप देखोगे यहाँ पे है, ये रहा इसका आंसर, ठीक है, देख लो। और उसके बाद आप देखो ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये आंसर आपको दिखेगा यहाँ पे, ओके, ये आंसर है। स्क्रीनशॉट लेना है आपको स्टूडेंट्स, या वीडियो पॉज करके लिखना है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट आपको आंसर बता रही हूँ फटाफट, क्योंकि मैं नहीं चाहती वीडियो ज़्यादा लेंदी हो, ठीक है, इसीलिए मैं कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। और इसका आंसर आप देखो यहाँ पे है, मैं फटाफट जस्ट आपको आंसर ही बता रही हूँ इसमें। अब यहाँ पे देखो, फाइंड इन द लेसन एंड राइट आंसर्स, आपको क्या करना है, फाइंड इन द लेसन एंड राइट आंसर्स। व्हाई डिड संभाजी महाराज रिटर्न हाफ वे फ्रॉम द जंजीरा कैंपेन। तो आंसर देखो यहाँ पे लिखा गया है,
सेकंड का क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, थर्ड का क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही स्टूडेंट्स, तो आपको ये आंसर्स थोड़े से समझने हैं। देवदत्त हैज डिस्क्राइब्ड महारानी ताराबाई इज़ वेलोर द दीज वर्ड द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको देवदत्त का ने जो डिस्क्राइब किया महारानी ताराबाई के बहादुरी के बारे में, उसका आंसर आपको लिखना है। वाई डिड संभाजी महाराज ओपन अ कैंपेन अगेंस्ट द सिद्धि ऑफ जंजीरा, सिद्धि ऑफ जंजीरा के अगेंस्ट उन्होंने क्यों ओपन कैंपेन किया, क्यों अटैक किया? तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, टू विच फोर्ट ऑफ सिद्धि डिड द मराठा लेट सीज। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, विच फोर्ट ऑफ सिद्धि वॉज बैटर्ड। तो देखो इसका आंसर यहाँ पे है, वाई डिड संभाजी महाराज अबैंडन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे है, नाइन्थ का क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। गिव रीज़न, तो ये आपको रीज़न दिया हुआ है, औरंगजेब टर्न हीज कैंपेन टुवर्ड्स आदिल शाह एंड कुतुब शाही किंगडम। क्यों ऐसा किया उसने? क्योंकि वो मराठाओं के अगेंस्ट जो कैंपेन कर रहा था उसमें सक्सेस नहीं हो पाया, ठीक है। सो ही हैड टू सस्पेंड द कैंपेन अगेंस्ट द मराठास, तो उसने मराठा के अगेंस्ट करना छोड़ दिया जो कैंपेन था। संभाजी महाराज के डेथ के बाद मराठा इंटेंसिफाइड देयर वॉर विद द मुगल्स, तो उसका रीज़न क्या है, उसका बताना है आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इट वॉज डिसाइडेड, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आंसर देखो कि थोड़ा सा ब्लर है, बट आई होप कि आपको दिख रहा होगा, एक दो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, बट फिर भी दिख रहा है आंसर, सो इतना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि दिख तो रहा है आंसर। तो क्वेश्चन ही सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, तो अच्छे से आप आंसर देख लो, ठीक है। दैट मीन्स कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, आपको जस्ट क्वेश्चन आंसर ही यहाँ पे बता रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा देखना है अच्छे से, वीडियो पॉज करके आंसर लिख लेने हैं आपको। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन लोगों के बारे में लिखा गया, छत्रपति राजा राम महाराज के बारे में, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, ठीक है, महारानी ताराबाई के बारे में लिखा गया है, एक्सप्लॉइट्स ऑफ संत जी एंड धन जी, तो उनके बारे में, जस्ट ए मिनट, तो यहाँ पे देखिए ये आंसर रहा, सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, जो भी क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, क्लियर होगा। सो थोड़ा सा जो ब्लर है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप लिख पाओगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट रखा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कर दीजिए, ओके। और कोई वीडियो चाहिए कोई एक्सप्लेनेशन का या क्वेश्चन आंसर का, तो आप मुझे जरूर बताइए, अपने फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर कर दीजिए, उन्हें भी हेल्प मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, और कोई भी ऐड आए आपकी वीडियो पे तो उसे स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, ट्राई करिए कि वीडियो डाउनलोड ना करके ऑनलाइन देखिए, इससे आपके इस चैनल को थोड़ी सी ग्रोथ मिलेगी, आपका सपोर्ट मिलेगा, ओके।